चलो भाई साहब, अगेन वी आर एट आवर फेवरेट प्लेस। चलो चलो बढ़ते चलो। टाइम क्या हो रहा? घड़ियाल दिखाओ। 11:05। एक घंटा पहले मैंने व्लॉग एंड किया है मेरा पिछला वाला। चलो खाते, तुम खाना, मैं नहीं खाऊंगा। अरे मैं अभी खा के गया भाई, अभी खा के गया। ये बोलेगा ये ऑफिस से कैसे क्या आ गया। हम लोग यहीं पे थे, मंसूर भाई वहाँ पे, इम्तियाज भाई यहाँ पे। क्या बोला तूने? फिर बोल तूने जो बोला वो। 12:20 हो गए। आजा, तू क्या समझा रे? आजा तू, ये देख लाइट लग गया अपने लिए, और क्या चाहिए तेरे को। अबे तू खा सिर्फ। फार्म खोला इसका मतलब मैं एकदम गुड बॉय नहीं ले भाई। चलो भाई खाते और खिलाते। ये दूसरी बार है मैं तुम्हारे पास इतना लेट आ रहा हूँ। कैसे हो भाई? थैंक यू वेरी मच यार, थैंक यू वेरी मच। गुआवा की बहुत तारीफ कर रहे थे ना दूसरी कंपनी की, अब ये कंपनी खाओ। इनको सैंपल कर खिलाओ जरा थोड़ा पहले। देखो देखो भाई ये, हाँ खिलाओ इनको सिर्फ, है ना? सेम टू सेम, उससे अच्छी जाएगी इंशाल्लाह। ये खाओ खरबूजा मेरे लिए, अपना निकालो भाई। यस अमेरिकन नट्स, अमेरिकन नट्स हम वो ही खाते हैं। तिल लड्डू खाओ। अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सवेरे सवेरे फार्म पे 9 बज रहे हैं भाई साहब, रात को फार्म पे थे हम, यहीं पे सो गए थे। आहा हा, एमके कबीले का परचम लहरा रहा है, एमके का परचम बुलंद रहा है। हेलो कैटी, वेयर आर यू रनिंग? चलिए भाई साहब, नाश्ते की खोज में जा रहे हैं हम। बकरियों का दूध तो निकल गया है, चाय के लिए डुबा करके खाने के लिए इंतजाम करने जा रहे हैं। चलो ना दुबाई। सब लोग उठ गए ले, फजर में तो सोए भाई। पूरे मेरे स्लीप साइकिल की वाट लग चुकी है और मेरे डाइट की भी वाट लग चुकी है, पूरी बॉडी की वाट लग चुकी है। बस 10 तारीख तक और, फिर उसके बाद अपन अपने रूटीन पे आ जाएंगे। बाइक पे जाने का? चलो जुगाड़ पे जाने का बोलते, कार मत निकालो तो चलो जुगाड़ पे जाओ। ऊपर मैं आता हूँ। How was your morning? Morning? हाँ। Good night, good morning, सब good good. सब good good ही चे। 5:30 तो सोए ले यार। चलो जुगाड़, इसका नाम जुगाड़ है। जुगाड़ नाम है इसका। जुगाड़ को लेके आ। चाबी देखो, नेक्स्ट कब ले लो? तेरी तिजोरी खोल रहा है क्या? पहले खोल। तिजोरी में दिखाओगे क्या क्या है इनको? देखो मुन्नू की तिजोरी। बाकी नहीं रे तेरा प्रोटीन वोटीन नहीं देगा। हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। दोपहर के 3:30 बज रहे हैं अब, कहीं जाके मेरी थकावट जो है थोड़ी थोड़ी दूर हुई है, पूरी तरीके से नहीं, थोड़ी थोड़ी दूर हुई है। यहाँ पे क्या हो रहा है ये देखो जी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास स्टाफ आ गया, एक ये चाचा है और एक और बंदा है आ गया। यहाँ पे मोनू क्या कर रहा है? ये बकरा याद है आप लोगों को? क्वारंटाइन वाला है ये, क्वारंटाइन वाला बकरा मैंने बाहर मंगवाया हुआ अभी है भाई। बता। हाँ ये देखो टिक्स दिख रही है, ये देखो। चलो अब क्या करेंगे अपन इसको? मुनु बता क्या करेंगे? दवा डालेंगे। थूक ले पहले प्रोटीन, थूक ले। हाँ ये कर लो, थूक ले पहले प्रोटीन, दवा डालेंगे। हाँ छोड़ दो चाचा इसको, ले ले दवाई ले ले, फटाफट भाई लोग को दिखाएंगे क्या करने का है। यहाँ पे देखो परचम थोड़ा सा नीचे आ गया, तो परचम को ऊपर किया जा रहा है। परचम ऊपर रहेगा और हमेशा इंशाल्लाह लहराते रहेगा। फटाफट करो फटाफट। और सुनना, एक हंडा और गर्म पानी रख दे भाई के लिए, दूसरे भाई भी नहाएंगे। बाकी नदीम भाई और ऋषान यहाँ पे कल रात से ही है यहाँ पे, तो वो लोग तो अभी तक फार्म में भी नहीं गए, वो अपने कामों में लगे हुए, वर्क फ्रॉम होम बोलते ना वो वाले कामों में। इसको और ऊपर करना। पहले दिन याद है आप लोगों को जो इंजेक्शन लगी थी उसको, उसके बाद सिर्फ दूसरे दिन इंजेक्शन लगी एक, वो भी ताकत की, ट्राइबिवेट और एविल मिक्स करके, उसके अलावा कुछ नहीं लगी। फिर अपने हरी पत्ती खा रहा है, पानी पी रहा है, बस अपने आप को संभालने में लगा हुआ है। इसमें कोई टेम्परेचर नहीं आया है अब तक अल्हम्दुलिल्लाह। चलो इसके ऊपर अभी उसे वो टिक्स की जो दवाई है वो डाल देंगे, तो बाकी की परेशानी भी जो इसके ऊपर रहेगी निकल जाएगी टिक्स वाली इंशाल्लाह। अच्छे से अंदर अंदर तक जाना चाहिए, टिक्स जितने भी है ना सब मर जाएंगे। कैसे मरते हो? पैरालाइज हो जाते हो उनको, पैरालाइज फिर मर जाते हो ये दवाई से। चलो
करते रहो कराते रहो। सूख ही गया ऑलमोस्ट ये, अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे ही दो तीन चक्कर और लगा, सूख जाएगा पूरा ही। ये धूप है करके हम लोगों ने किया है ये जो काम होता है ना, ये दवाई बकरे पे मारने वाला, ये धूप धूप में किया जाता है ताकि जो है जानवर जल्द से जल्द सूख जाए। ये देखो दवाई पूरी यहाँ पे भी पड़ गई है, अगले जानवर के लिए क्वारंटाइन रेडी हो चुका है। अब अगला जानवर कौन आएगा वो जानने के लिए तो आपको बने रहना है ना कहानी के साथ। जैसे जैसे हम कहानी आगे बढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा वहाँ पे कौन आने वाला है। चल भाई सूख जा जल्दी जल्दी, फास्ट 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 फास्ट। अरे ऐसा निकलता देखो, अभी टाइम मिल रहा आने के लिए। ये कैसा है, गबरू है गबरू एकदम, गोल मटोल पूरा। कैसा लग रहा 45 से 92 का सफर, कल ही वजन किए इसको, 92 है, कल नहीं एक हफ्ता पहले किए थे 92। अल्हम्दुलिल्लाह। पोज देखो ना, पोज देखो, पोज कैसे देता हूँ। ये यासर भाई की कुर्बानी का है, लाला नाम है इसका, लाला कमान वाला बकरा। खूंटे का फायदा ये है कि सिर्फ मस्ती करने में लग जाते हो, बाकी दूसरी चीजों में ध्यान नहीं रहता उनका। मैं शौक करा रहे बकरे निकाल के दिखा रहे हम, शौक हो रहा है। अरे माशाल्लाह। अजूबा यही साल है, अजूबा बिक्री के लिए भाई, अजूबा बिक्री के लिए। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या लग रहा देखो अपना टाइगर, अल्हम्दुलिल्लाह। एक और आएगा देखना अभी, जिसका है ना वो बकरा, वो भाई ने उसका नाम कोहिनूर रखे ले, कोहिनूर नाम रखे। कल के वीडियो में भी देखी पब्लिक ने, मगर अभी तुमको दिखा रहे तो वापस से एक बार देख लेना। हाँ ये लो देखो देखो कौन आया। जो है ना ये जो पेट में जो खड्डे होते हैं ना, माशाल्लाह अपने फार्म पे कोई वगैरह खड्डे नहीं है, ज्यादा कर ला फीडिंग में लगते माशाल्लाह बकरे। कल तो बहुत एड भगाएला इतने बाहर, इतने बहुत एड भगाएला, कल छोड़ कर गले में से रस्सी निकाल दिए थे, सिर्फ यहाँ से वहाँ भाग रहा। हाँ वो एड भगाएला कल उसने। देखो ना क्या चीज है माशाल्लाह। कैसा लग रहा भाई नजदीक से कुर्सी पे से उठने के बाद? वो बहुत अलग लग रहा था, बहुत अलग लग रहा था, केज में बहुत अलग लग रहा था ना। अल्हम्दुलिल्लाह कोहिनूर। हमारी दुकान बंद हो चुकी है, मजा आया? हाँ भाई मजा आया, मजा आया। दिल खुश एकदम, चलो सही है। फुल चेंज फॉर अ चेंज, फॉर अ चेंज। वर्क फ्रॉम होम भी हो गया, वर्क फ्रॉम फार्म, वर्क फ्रॉम फार्म हो गया। छुट्टी खत्म हो गई, मुसाफिर जा रहे अपना बोरिया बिस्तर लपेट के, मगर रात काली हुई रात। बाप रे मेरे को तो कुछ दिख रहा नहीं आगे का, ये कितना अंधेरा है।